Hey guys, welcome back to my channel. Nitika here. Today I'm back with another video. And आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिना खान का ये वाला मेकअप लुक. एंड ये वाला मेकअप लुक मैंने सिर्फ 20 रुपीज में क्रिएट किया है. सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. तो सबसे पहले मैं हर बार की तरह अपने बालों को सिक्योर कर रही हूँ. आफ्टर दैट आज मैं मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करूँगी. आज मैं अप्लाई करूँगी ये है एलोवेरा आइस क्यूब. गाइज तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा आइस क्यूब्स. इसे मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये आपके फेस को प्रेप करेगा, एट द सेम टाइम प्राइम करेगा एंड मॉइस्चराइज भी करेगा. तो ना ही आपको मॉइस्चराइजर की ना ही आपको प्राइमर की ज़रूरत होगी एंड आपकी स्किन भी ग्लोइंग बन जाएगी, जिससे आपका मेकअप भी काफ़ी अच्छा एंड फ्लॉलेस लगेगा. तो आपको इसे मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में अपने पूरे फेस पे, नेक के अराउंड एंड आइज़ के अराउंड अच्छी तरह से मसाज करना है. 2 मिनट बाद आपको अपने फेस पे मेकअप करना है ताकि हमारा फेस फुल ड्राई हो जाए. गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन अभी ड्राई हो चुकी है. 2 मिनट के बाद स्किन आपकी प्रॉपर ड्राई हो जाएगी. आफ्टर दैट मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे पॉन्ड्स की फेयरनेस क्रीम एंड ये सिर्फ 10 रुपीज़ की है. आप MRP देख सकते हो. इसे ही मैं अपने आइज़ के अराउंड, अपने नेक के अराउंड एंड अपने फेस के अराउंड अप्लाई करूँगी. मेरे पास कोई कंसीलर नहीं है 20 रुपीज़ के अंडर, तो इसीलिए इसे एज अ मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी. एंड ये आपके फेस को ठीक ठाक कवरेज देता है. बहुत ज़्यादा कवरेज आपके फेस को ये नहीं देता है, आपके फेस को काफ़ी स्मूथ बनाता है. आफ्टर दैट गाइस मैं ये ब्रश ले रही हूँ. इससे मैं अपने आईब्रोज़ को कॉम करूँगी, देन ब्रश आउट करूँगी. एंड मैंने अपनी आईब्रोज अभी तक नहीं करवाई, लेकिन आज मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ. तो गाइस आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैं यहाँ पे ये ब्लैक पेंसिल ले रही हूँ एंड ये सिर्फ 10 रुपीज़ की है, लोकल मार्केट से है अगेन. तो इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ गाइस एंड स्लोली स्लोली फिल इन करूँगी. सो गाइस मैं फर्स्ट टाइम अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ एंड बिना आईब्रोज़ करवाए मैं आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ. एंड अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है एंड आप देख सकते हो एक आईज एंड दूसरे आईज में डिफरेंस. जब आप आईब्रोज कर लेते हो देन आपका फेस काफ़ी अच्छा लगता है. एंड गाइज अब मैं अपनी दूसरी आईब्रोज भी फिल कर लूँगी ऑफ कैमरा. तो आप देख सकते हो मैंने दोनों आईब्रोज फिल कर ली हैं, बहुत ही ब्लैक आईब्रोज फिल हुई हैं. थोड़ा सा मेरे को कलर लाइट रखना चाहिए था, लेकिन उसे सेट करने के बाद नेचुरल दिखाने के लिए मैंने इसे अगेन ब्रश के साथ कॉम कर लिया एंड देन ब्रश आउट. सो गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये टेलकम पाउडर. ये सिर्फ 10 रुपीज़ का है. ऑलरेडी मैं आपके साथ एक मेकअप लुक में शेयर कर चुकी हूँ मेकअप लुक अंडर 10 रुपीज़, तो उसमें भी मैंने ये यूज़ किया था. एंड इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं है, इसलिए मैं इसे काफ़ी लेके क्वान्टिटी लेके इसे अप्लाई करूँगी ताकि इसकी एक अच्छी कवरेज मेरे फेस को मिल जाए. आफ्टर दैट गाइस आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 20 रुपीज़ का मीनाओ का ये ग्रीन आईलाइनर एंड ये ग्लिटरी आईलाइनर है गाइस. 20 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. इसे भी मैं आईलाइनर सोल में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. इससे मैं एक बोल्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी. विंग आईलाइनर नहीं ड्रॉ किया था हिना ने, तो इसीलिए मैं सिंपल आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड थोड़ा सा बोल्ड किया ताकि मेरी आईज में दिखे. आफ्टर दैट गाइज मैंने ये सेम ब्लैक पेंसिल ली थी जिससे आईब्रो फिल की हैं, उससे मैं एक थिक काजल अपनी दोनों आईज में अप्लाई कर लूँगी. यू कैन सी गाइज थिक काजल अप्लाई किया है मैंने. नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे मस्कारा की बोतल ली है, ये बिल्कुल ही एम्प्टी है गाइस, यू कैन सी गाइस. सो इससे हम मस्कारा बनाएंगे. इससे मस्कारा बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेंसिल इस स्पूली पे रब की है, मस्कारा की स्पूली पे. इससे ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन स्पूली पे आ जाएगी. देन मैंने इसे एलोवेरा जेल के ऊपर रब किया है. ये नेचुरल एलोवेरा जेल है, आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल में मिक्स करके भी इसे अप्लाई कर सकते हो. देन मैं इसे अपने आई लैशेज़ पर अप्लाई करूँगी गाइस एंड आप पिगमेंटेशन देखना गाइस इसकी. ये बहुत अच्छा मस्कारा है, DIY मस्कारा है, इंस्टेंटली बन जाता है. एंड देन आप मेरी लैशेज देखना गाइस. अभी मैं इसे दोनों आईज़ पे अप्लाई करूँगी एंड इससे बहुत ही अच्छा मस्कारा अप्लाई होता है. यू कैन सी कितनी अच्छी आई लैश जो है वो कर्ल हो जाती है एंड सेम टाइम पे मस्कारा भी लग जाता है. आप दोनों आईज़ देख सकते हो गाइस, दोनों आईज़ पे मैंने मस्कारा अप्लाई करा. गाइस नेक्स्ट मैंने यहाँ पे VOV की ये प्रोफेशनल ब्राउन पेंसिल ली है, ये सिर्फ 10 रुपीज़ की है. इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, नोज़ को, फोरहेड को एंड चिक्स को अच्छी तरह से कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरे फेस को एक शेप मिले एंड मेरा फेस डिफाइंड लगे. देन मैं ये 10 रुपीज़ का ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है एंड इससे मैं ब्लेंड करूँगी कॉन्टोरिंग को एंड अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट गाइस मैं ये 10 रुपीज़ की पेंसिल ले रही हूँ, ये पीची पिंक है कलर में एंड शिमरी है. तो इसे एज अ ब्लश मैं अप्लाई करूँगी अपनी चिक्स पे,
तो मैं इसे अप्लाई कर दी थी एंड मेरे से इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी अपनी चिक्स पर लग गई, लेकिन मैंने देन इसे बैलेंस आउट कर लिया, दूसरे चिक्स पर भी अप्लाई कर ली थी एंड थोड़ी सी लिप्स पर भी अप्लाई कर ली थी एंड देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था एंड देख सकते हो आप शाइन। देन सेम मैं यूज़ करूँगी अपने लिप्स पे ताकि मेरे लिप्स इससे शाइनी बने एंड एट द सेम टाइम फुलर लगे मेरे लिप्स। हिना खान की लिपस्टिक थोड़ी शाइनी थी इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है एंड नेक्स्ट गाइस मैंने अप्लाई की है ये 5 रुपीज़ की पेंसिल जो कि मैं ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ 10 रुपीज़ वाले मेकअप में एंड ये 5 रुपीज़ की है परसोने की है। गाइस नेक्स्ट मैं वीओवी की लिप लाइनर अप्लाई करूँगी, अपने लिप्स को लाइन भी करूँगी एंड देन फिल इन भी करूँगी। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ पीजी वाली लिपस्टिक जिससे कि मेरे जो लिप्स हैं वो थोड़ी और ज़्यादा शाइनी हुआ, लिपस्टिक भी अच्छी लगे। एंड गाइस आफ्टर दैट मैं एलोवेरा ले रही हूँ एंड एलोवेरा को रब करूँगी अपने लिप्स पर ताकि एलोवेरा जो है वो मेरे लिप्स को शाइनी एंड स्मूथ बना जाए। मेरे लिप्स थोड़े से ड्राई लग रहे थे एंड आप देख सकते हो एलोवेरा लगाने के बाद लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। गाइस ये बहुत अच्छा हैक है, ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाली सिल्वर पेंसिल, ये भी परसोने की है, ओनली 5 रुपीज़ की है, लेकिन ये आगे से निकल चुकी थी तो मैंने उसे निकाल के अच्छी तरह से देन अपने फेस पे अप्लाई कर लिया एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे रिमूव कर लिया। लेकिन गाइस 5 रुपीज़ में आपको ऐसा ही हाईलाइटर मिलेगा। ओके गाइस सो अब हम करेंगे अपनी ड्रेस चेंज। तो यस यू कैन सी गाइस माय ड्रेस एंड माय लुक, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हो हिना खान ने भी कुछ रेड कलर की ड्रेस पहनी थी तो मैंने इस तरीके की रेड जो ड्रेस मेरे पास थी वो मैंने पहनी एंड उन्होंने गले में एक चेन पहनी हुई है, आप देख सकते हो वो गोल वाली है लेकिन मेरे पास इस तरह की थी, मैंने उस तरह की इसे पेयर की ताकि लुक वैसी लगे एंड मैंने सेंटर में से मांग निकाली है जिस तरह से उन्होंने निकाली है। ऑल्दो मेरी मांग सेंटर वाली जचती नहीं है कि मैंने फिर भी निकाली है। सो गाइस दैट्स द फाइनल लुक, होप आपको ये लुक पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पास वाली बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि आप हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।